थिएटर्स में इस वक्त रौनक सी छाई हुई है। सनी देओल की गदर 2 के बाद थिएटर्स में जवान का जलवा भी देखने को मिल रहा है। जवान ने रिलीज के साथ ही पुरानी रिलीज हुई फिल्मों की कमाई पर काफी असर पड़ा है। माना तो जा रहा है कि जवान की रिलीज के बाद सनी देओल की गदर 2 के लिए बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सनी की फिल्म ने रिलीज के 29वें दिन बाहुबली 2 का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ डाला है। जवान की रिलीज के साथ ही भले ही गदर 2 की कमाई की रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन 29वें दिन के कलेक्शन के बाद गदर 2 हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म यहां पर बन गई है, जिसके बाद सनी देओल और उनके फैंस खुशी से फूले नहीं समा पा रहे। आपको बता दें, गदर 2 ने रिलीज से लेकर अब तक कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने फैंस के दिलों में घर कर लिया है। वहीं बात की जाए गदर 2 के 29वें दिन के कारोबार की, तो मिली जानकारी के अनुसार फिल्म ने 1 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जिसके बाद सनी देओल की फिल्म का टोटल कलेक्शन 511 करोड़ हो गया है। वहीं दूसरी ओर बाहुबली 2 का टोटल कलेक्शन 510.99 करोड़ रुपए था। ऐसी में अब गदर 2 ने प्रभास की फिल्म को करारी मात दे दी है। आपको बता दें, 11 अगस्त को सनी देओल की फिल्म ने थिएटर्स में दस्तक दी थी। पहले दिन से ही गदर 2 ने अपनी भारी पकड़ बनाए रखी हुई है। बाहुबली 2 ने साउथ के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी फैंस का दिल जीत लिया था। साल 2017 में पैन इंडिया स्टार प्रभास की ये फिल्म रिलीज हुई थी। बाहुबली 2 ने 5 हफ्तों के अंदर अंदर ही 500 करोड़ कमा लिए थे। इस फिल्म का घरेलू कलेक्शन 510.99 करोड़ है। प्रभास इस फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा के फैंस के दिलों पर भी राज करने लगे थे। फिलहाल सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने यहां पर एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है।